तो भाई मैंने क्रूज कंट्रोल पे डाल दिया, मस्त अपना हाथ छोड़ के चला रहा हूँ, एक हाथ रख लेता हूँ हैंडल पे। प्लस अभी बस थोड़ी देर में अपन पहुंच ही जाएंगे। दोपहर के टाइम एक्चुअली ट्रैफिक कम होता है ना, क्योंकि मिड पीक पे होती है इस टाइम धूप, और ये है कि अपन स्कूटी पे तो और ट्रैफिक कम मिल रहा है, तो मैं सीधे पहुंच जाऊंगा। बस मेरे को 10 मिनट लगेंगे यहाँ से, बाकी बैटरी कम है तो मेरे को घर आने की दिक्कत है। बट कोई नहीं, रास्ते में ऋतिक का घर है, अगर दिक्कत हुई तो उसके घर पर स्कूटी चार्ज कर लूंगा, एक दो घंटे बकैती मार लेंगे फिर घर आ जाएंगे। अपने ऐसे रुकने का सीन नहीं होगा यहाँ। तो भाई मैंने फ़ोन में लोकेशन लगा रखी है और यहीं आगे कहीं के दिखा रहा है, इसी रोड पे, ये कॉलोनी में है, जी डेफ कॉल है, और डेफ कॉल में भी मेडिकल पार्ट वन टाइप है, तो यहीं पे आगे अपने ट्याओ खड़ी दिख जाएगी उसके अंदर। मेरे ख्याल नहीं हो रही है, हाथ नीचे कर लिया था इसलिए मैं छोड़ दिया। तो भाई ब्लीडिंग वॉर टाइप हो रही है कुछ, मम्मी नहीं दिख रही मेरे को, मम्मी पता नहीं कहाँ। भाई यहाँ हम आ गए ऑक्शन में, और भाई यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपने लगा रही बोली 400 500 600 1001 200 400 500 600। चलो ठीक है ठीक है। यहाँ का कंसेप्ट ऐसे, जैसे आप ये चेयर देख रहे हो, ये ना सारा ना ये हाउस होल्ड का सामान जो पड़ा हुआ है ना, ये नीलाम हो रहा है, और ऑक्शन नीलाम मतलब ऑक्शन आप सेम कह सकते हो। भाई ये क्या करता है, ये ना सामान पहले शोकेस करते हैं, ये सामान है, और फिर ना उसकी बिडिंग स्टार्ट करते हैं, और बिडिंग स्टार्ट होती है मात्र 100 रुपए से। उसके बाद जो हाथ उठाता है ना, बिडिंग डबल होती रहती है, जैसे 100 का 200 200 से 300 300 400, और 1000 ऊपर जाने के बाद 200 200 रुपए डबल होने लगती है। और ऐसा है कि 50 पे नहीं कर सकते, ऐसे 1250 ये सब नहीं बोल सकते, और अगर आपने हाथ नहीं उठाया मुंह से बोला तो वो बिडिंग काउंट नहीं होती। 1600 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 की तो लायक भी नहीं है। पैसा दो, ले लो 1600 की तो। ये सारे गुलाब, ये होल्डर क्या है? ये पैसा दे दो। क्या है? बल्ब है। कौन सा बल्ब है भाई? तो भाई फुल नीलामी का ये सामान है, ये जिस जिसको बिक गया वो बिक गया है। लास्ट में मेरे ख्याल बढ़िया बढ़िया सामान ऑलरेडी सोल्ड हो गया है। और भाई पहली बारी मैं ऐसी नीलामी देख रहा हूँ कि भाई घर का सामान एक एक बेच रहे हैं और उसमें बिडिंग लगा रहे हैं। वो भाई थोड़े थोड़े, ओ भाई अभी जैसे मैंने नोटिस किया गाड़ी पे को ये भी मार गया है भाई, पता नहीं कहाँ से लग जाते हैं। तो देखते हैं। वो भाई मेरे ख्याल बर्तन वगैरह खरीद लिया मम्मी ने, मेरे को गाड़ी में दिख रहे हैं। ये देखो क्रॉकरी वगैरह, नॉनस्टिक वगैरह, भाई ये तो सही है। कोई अबैंडन कर गया वो, इस चक्कर में नीलामी हो रही हो तो भाई बताएगा क्या सीन है। भाई पहने हुए चप्पल भी ले रहे हैं लोग। ये आपने लिया भाई? ये दारू की एक्सपायर्ड तो नहीं है? चेक कर लिया आपने? दो जीत गए भाई। ये किसी भी नामी कंपनी हो तो भाई 2000 रुपए के या 2500 रुपए के 4 या 3 आते हैं, हमें 8 मिल गया 1800 में। भाई बड़ा सही है, इसमें सारे शूज रख सकते हैं अपन बढ़िया। तो भाई अभी के लिए मैंने ऐसे रख दिया, भाई जब आएगा मेरे ख्याल इसको एडजस्ट कर लेंगे। मैं मम्मी को अपने स्कूटी पे लाऊंगा या कैसे भी कर लेंगे। मम्मी गाड़ी चलाने आ जाओ, मम्मी को अपन गाड़ी से भेज देते। वो क्या हो गया? वो मेरे ख्याल सामान टूट गया, सामान टूट गया देखे हैं। तो एक फुट टब भी लिया है, पता नहीं भाई बहुत कुछ खरीद लिया मम्मी और भाई ने। घर जाके मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या कितने का पड़ा हमें, चपत कैलकुलेट करके बताऊंगा और इनके ना एक्चुअल कॉस्टिंग भी बताऊंगा आपको कि हमें भाई ये ना ये जो होती है ऐसे गार्डन सेल कह सकते हो एक तरीके से इंडिया की, तो उसमें हमें कितना फायदा हुआ। 2 3
ना नीलामी का एक्सपीरियंस लेके मम्मी ने ये जीत लिया है। मेरे ख्याल इसमें भाई प्रोडक्ट्स जो होंगे ना, देखो भाई मैक वगैरह के हैं, तो मेरे ख्याल अप्रोक्सीमेटली 4,000-6,000 के अराउंड होंगे। बट मम्मी जस्ट 2,800 रुपये में मम्मी ने बिडिंग और जीत ली, तो भाई काफ़ी प्रॉफिट की डील रही है मम्मी के लिए। तो भाई मैं तो इसे अपनी स्कूटी की डिग्गी में डालूँगा क्योंकि गाड़ी हमारी पूरी फुल हो चुकी है, बैटरी भी नहीं है। तो देखते हैं डिग्गी में आ जाए तो, हाँ डिग्गी में बहुत जगह है, इसमें एक आधा सामान और आ जाएगा। बंद ले गया ना मेरी माँ का मेकअप, तो मेरी जान ले लेंगे मेरी माँ। भाई वैसे अब घर देखो तो घर भी बहुत अच्छा है, अगर घर की नीलामी करेंगे तो उसमें बिडिंग और बढ़िया होगी। भाई ये इन्फ्लेटेबल पिलो है शायद। ऑल लेडीज क्लॉथ 200, टी शर्ट नहीं मना किया, 200 700 800 800 900 900 1000 1000 एक दो तीन 1000 300 एक 300 दो 400 400 एक दो तीन। भाई अंकल जी बहुत परेशान है, भाई बिल्कुल आगे चुपट के देख रहे हैं, कह रहे हैं भाई मेरे को आगे खड़े हो, मेरे को आगे खड़े हो भाई, मतलब लोग पागल ही हैं भाई, दूर खड़े होके देख लो कोई दिक्कत नहीं, चुपटे पड़े भीड़ में पसीने वसीने आ रहे हैं भाई, हम तो दूर से ही देख रहे हैं, दूर से बिडिंग कर रहे हैं, बिडिंग कहीं से भी करो यार, अगर चीज पैसे तुम्हारे लगने हैं तो दे देंगे तुम्हें। तो ये चल रहा है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन कम्प्लीट हो गया, अपनी पूरी टियागो भर गई है, मैं आपको दूंगा। मैंने अभी थोड़ा सामान एडजस्ट किया है, अभी मैं सोच रहा हूँ भाई चला के ले जाएगा, मैं मम्मी को स्कूटी पे ले आऊँगा या मैं चला के ले जाऊँगा, भाई मम्मी को स्कूटी पे ले आएगा। अभी एक कार्टन का जोड़ करना है, और अपन ने दो चीज़ और ली थी, वो भाई रात को गाड़ी लेके आएगा तो ले जाएगा क्योंकि अब जगह है नहीं। तो फटाफट घर चलते हैं, अभी मम्मी और भाई पता नहीं अंदर क्या कर रहे हैं, देखते हैं। भाई यहाँ पे एक्स्ट्रा भी ले गया भाई, मतलब पैसे वाले लोग भी आते हैं भाई ऑप्शन में, भाई महंगी चीज़ है। गाड़ी हो गई है फुल, अब जाएंगे कैसे कैसे भाई, तू गाड़ी लेके जा, मम्मी को स्कूटी से ला रहा हूँ। ठीक है, मम्मी का मेकअप का स्कूटी की डिग्गी में रख दिया मैंने, ठीक है तो मैं लेके चल रहा हूँ इसे, ये लोग आएंगे स्कूटी से, ला बोतल दे दे। तो भाई अभी मैं घर जा रहा था, और भाई इतना सारा सामान भरा हुआ है ना इसमें, एक्चुअली मैं ओवरटेक कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि भाई मैं तो भाई मैंने जितनी भी गाड़ी चलानी सीखी ना उसमें लेफ्ट साइड का मिरर देख के ओवरटेक करते, क्योंकि इंडिया में राइट से ओवरटेक करते हैं, बट राइट का मिरर लेफ्ट साइड का चिप्स मांग रहा है, मिरर ही नहीं देख पा रहा हूँ मैं, ये ऐसे थोड़ा ब्लर होके देख लेता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ गाड़ी लेफ्ट साइड में, तो मैं थोड़ा लेफ्ट राइट ना चलो सीधे चलो। तो बाकी तो जाम लगा हुआ है यहाँ, देखो भाई पूरा जाम लगा हुआ है, तो मात्र 20-15 मिनट में अपन घर पहुँच जाएंगे। भाई और मम्मी स्कूटी से आ रहे हैं, स्कूटी में आई होप इतना चार्ज दूँ कि घर पहुँच जाए, वैसे तो होगा ही क्योंकि अभी स्कूटी में 15-20 का चार्ज था मेरे ख्याल, 20% था, तो 1% में 1 किलोमीटर चलती है। तो भाई तेज चलाएगा तो शायद वो भी कम हो, फिंगर्स क्रॉस, मैंने समझा तो दिया ही है कि बैटरी कम है, तो धीरे चला के लाइयो तो आ जाएंगे, वो भी ऐसे कोई टेंशन है नहीं, मतलब ये दूर बहुत दूर जाना हो तो समझ में आता। तो भाई यहाँ पे मेला वेला भी लगा हुआ है, भाई रात को अपने दोस्तों को लेके आऊंगा, मेले में झूला झूलेंगे, मजा आ जाएगा, मजा तो आता है। देखो मेरे को ना सबसे ज्यादा भाई वेट ना होता है दिवाली टाइम का, मेरे को दिवाली टाइम इतना बेस्ट लगता है ना, बेस्ट लगता है भाई कसम से यार, मजा मेरा दिल खुश हो जाता है दिवाली टाइम, क्योंकि आपको पता ही होगा देखो ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है उस टाइम, फिर भाई दशहरा होता है, फिर भाई मेरे को ना दशहरा देखने में बहुत अच्छा लगता है, रामलीला होती है ना मेरे को बचपन से आते हैं, मेरे पापा मेरे को ले आते थे, उसके बाद तो अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, बट भाई हम ना रामलीला देखने आते हैं, उसके बाद झूले वगैरह झूलते हैं बाहर, मतलब ऐसे फास्ट फूड टाइप मिलता है, रोड साइड फूड भी बहुत बढ़िया लगता है भाई दिवाली टाइम पे, और फिर भाई लाइट्स का फेस्टिवल तो है ही दिवाली, तो भाई मेरे को तो बेस्ट फेस्टिवल दिवाली लगता है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ आपको कौन सा फेस्टिवल बेस्ट लगता है, मेरे लिए तो दिवाली है, सेप्टेम्बर अक्टूबर टाइम से ही ना ऐसे दिवाली वाइब्स आनी स्टार्ट हो जाती है, अभी तो अगस्त खत्म होने वाला है, सेप्टेम्बर अक्टूबर से जब थोड़ी थोड़ी जल्दी रात हो जाने लगेगी और ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाया करेगी ना, तब पता चल जाए भाई दिवाली आ गई है, अब पहनने बढ़िया कपड़े और मस्ती करनी है घर पे। The next day. अपन घर आ गए थे और मैं आपको दिखाऊं भाई ये नेक्स्ट डे है, मैंने ना जो जो सामान था वो ऑलमोस्ट सारा जमवा दिया है घर में। तो भाई सबसे मेन चीज अपन ये लाए थे, ये सारा बर्तन होल्डर का है, मतलब धो के सारे बर्तन यहाँ पे रखे जाते हैं, और यहाँ पे यूटेंसिल्स का अलग पार्ट है, तो ये मात्र 400 रुपये पड़ा था, और जो बाकी सारी चीजें है ना वो भाई घर में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट हमारी जो मेन फाइंड में से एक है वो एक ये कॉफी मेकर भी है भाई, ये ब्लैक कॉफी मेकर है, इससे मैंने अपना हाथ भी जला लिया था, हाथ के अंगूठा जला लिया था, तो भाई वो तो अभी ठीक हो गया, बट स्टिल भाई इन सबके साथ ना इंस्ट्रक्शन आने चाहिए कैसे यूज करने कैसे नहीं। मैंने वेव को की तरफ सीधे गर्म प्लेट बाहर लगा दिया तो मेरा अंगूठा चल गया था,
बाकी थोड़ी बहुत यूटेंसिल्स वगैरह इन सबके प्राइसेस वगैरह और जो जो ये हैं वो भाई के ब्लॉग में भाई ने बता दिया होगा, तो मैं इतना डिस्क्रिप्शन में घुसूंगा नहीं। और ये सारे हैंगर्स वगैरह, ये कूल बैग है, ये मतलब हमें फाइंड्स के अंदर फाइंड्स मिली है। और ये है कि एक तरीके का मिस्ट्री बॉक्स टाइप बन गया है, क्योंकि भाई हमें चीरों के अंदर चीज़ें मिल रही थी और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये उसके अंदर होगी या नहीं होगी। बाकी जो मेन मेन चीज़ें हैं, सारी मेन चीज़ें, वो भाई के ब्लॉग में मैं पहले बता चुका हूँ, भाई के ब्लॉग में बता दिया मैंने सारा, तो भाई का ब्लॉग जाके चेक कर लेना जिसने पूरा डिटेल में जानना हो हमने कितने पैसे खर्च करे और कितना हमें पे आउट मिला। बट भाई ऐसे ऑप्शंस बहुत यूजफुल रहे हमें, क्योंकि भाई बेसिकली जो यहाँ पे सामान होता है ना वो सारा ब्रांड न्यू होता है, और ब्रांड न्यू सामान जब कोई भाई अगर तुम्हें एक बहुत चीपेस्ट रेट में दे रहा है तो हम क्यों नहीं लेते, सिंपल सी बात है। ये सारा यूज सामान नहीं था इसलिए अपन ने ले लिया, और भाई बहुत लिटरली बहुत सस्ता भाई, स्टार्टिंग बिडिंग ही 100 रुपए से स्टार्ट थी, वो तो भाई जिसकी इच्छा होती थी वो 600-800 तक ले आता था, वरना वो भी नहीं हो रहा था। उसमें ब्रांड न्यू सामान, मम्मी ने लिटरली स्कोर कर लिया, डियोर की लिपस्टिक है स्कोर कर ली, तो भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी। तो ऐसे ही यार मैं सोच रहा हूँ एक अलग से ऑप्शन में चलेंगे, और उसमें ना एक बजट लेके चलेंगे, मान लो 10,000 या 15,000 रुपए का, और वहाँ पे जो चीज़ दिखेगी ना वो खरीदेंगे, तो वो एक वीडियो आइडिया बढ़िया है। तो जो जो ये वीडियो देखना चाहता है ना नेक्स्ट वाली इस टाइप की, वो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और बस यार ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर रहे तो इंस्टाग्राम की लिंक आ रही होगी, फटाफट जाके फॉलो कर लो मेरी लाइफ के अर्ली अपडेट्स पाने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।